हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन एक्सिस बैंक में हमें 1.58% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 798.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आने वाला है, या फिर यहाँ पे मैं अगर कहूँ डेज रेंज में यहाँ पे आप देख सकते हैं 801 है, तो 52 की रेंज यहाँ पे 866 है, तो बहुत ही पास में 66 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे जो अभी फिलहाल हमारा जो है स्टॉक करंटली क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या उस 52 की हाई को जो है आने वाले दिनों में क्रॉस कर पाएगा या फिर नहीं, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, तो एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है करंटली कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीडियम साइज की कैंडल बनी और दोनों साइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की, RSI 64-65 के आसपास जो आ चुका है, जो जरूर हमें यहाँ पे एक जो है नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए हाई चांसेस स्टॉक में हमें जो है एक अच्छा मोमेंट जो देखने मिले। करेंटली 810 तक मुझे लगता है एक अपसाइड मोमेंट जो जरूर अभी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टॉक जो है ऐसा ट्रेंड में जो है एक अपर जो है यहाँ पे लाइन की तरह जो है यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे जो है वो बन रहा है, तो इसकी वजह से और जो है अपसाइड मोमेंट हमें इस स्टॉक में जो आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। करेंटली 810 तक अपसाइड मोमेंट आ सकता है, इवन 812-815 तक आ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद वापस से थोड़ा सा आपको एक डाउनसाइड देखने मिलेगा। लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मार्क्ड है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा जो है पीछे जाते हुए यहाँ पे जो है हमारा पुराना डेटा जो है उसको यहाँ पे देखकर एक जो है मार्किंग यहाँ पे जरूर कर देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो है कर रहा हूँ, जरूर जो है आप अपने चार्ट पे जो है ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो है यहाँ पे मार्किंग जो है वो हो चुका है। सीधा हम बात करते हैं करेंटली इसके क्लोजिंग की, तो 798 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता है 797.25 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 802.55 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले कल के दिन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है, तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है। साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको
समझाया है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेसून यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसून वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 792.95 का, उसके बाद क्या आता है 785.35 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसून के बाद का अगला रेसून आता है 809.10 का, उसके बाद क्या आता है 815.15 का। तो यहाँ पे हाई चांस है यहाँ पे जो है ये दो सपोर्ट और दो रेसून यहाँ पे मैंने बताया उसी को आप जो कंसिडर में रखते हो जो सबसे पहले तो ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए मैं मेरा ओपिनियन कहूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक में हमें एक गैप अप ओपनिंग जरूर ओपनिंग में देखने मिल सकती है, लेकिन क्या ये गैप अप ओपनिंग कितनी बड़ी होगी, क्या ये डायरेक्ट रेसून को क्रॉस करेगी वो हमें जरूर देखना है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ तो 809.10 का यहाँ पे एक जो है यहाँ पे रिस्क को जो है जरूर यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए डाउन साइड में आएगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रल सा जो हमें कल के दिन क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे तो 110% 785.35 से लेके 792.95 के बीच में हमें क्लोजिंग जो है जरूर देखने इस बीच में देखने मिल सकती है। लेकिन अगर गैप अप हुआ लेकिन डायरेक्ट रेसन के पहले ही गैप अप हुआ तो यहाँ पे हमें जो है नेगेटिव क्लोजिंग जो है जरूर देखने मिल सकते हैं। कल के लिए मेरा ओपन जो है स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए, लेकिन प्री ओपन मार्केट में स्टॉक जो कैसे से परफॉर्म करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।